तो फ्रेंड्स, आज बनाते हैं साबुत मूंग से बनने वाले बहुत ही हेल्दी से, टेस्टी से, क्रिस्पी से वड़े, जो आप नाश्ते में भी बनाकर इसे खा सकते हो और बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हो। तो मैंने साबुत मूंग ली है 250 ग्राम। इसे मैंने 2.5 घंटे के लिए भिगोकर रख दिया था, तो ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसे दो पानी से धोकर हम एक मिक्सी जार में डाल देंगे। तो देखिए, मैंने इसे धो लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 6 से 7 हरी मिर्च और 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, और इसे हम दरदरा पीस लेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए, इस तरह से दरदरा पीस कर मैंने इसे एक बर्तन में निकाल लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच ज़ीरा, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो हमने पहले इसमें हरी मिर्च डाली है, आप चाहो तो लाल मिर्च को स्किप कर दीजिए। तो अब इसमें ऐड करेंगे हम नमक, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिए, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, एक बड़ा साइज़ का प्याज, इस तरह से मैंने लच्छों में इसे कट किया है। इससे बहुत ही अच्छा सा मतलब फ्लेवर आता है वड़ों में। अगर आपको बारीक कट करके डालना है तो आप बारीक कट करके भी डाल सकते हो। तो इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, सच में ये वड़े बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, सच में आप एक बार ज़रूर बना कर देखिए और बहुत ही झटपट बन जाएंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने इसे मिक्स कर लिया है। आप चाहो तो रात में ही मतलब मूंग को भिगा कर रख दीजिए और मॉर्निंग में इस तरह से बनाकर फ्राई करके दे दीजिए, और नाश्ते में भी आप खा सकते हो। तो आप इसे बॉल की तरह इस तरह से भी बना सकते हो, देखिए। और पीसने में हमने बिल्कुल थोड़ा सा पानी का मैंने यूज़ किया है, बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब 1 से 2 टीस्पून जितना। तो देखिए, ये बॉल की तरह भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे टिकिया का शेप दूंगी। इस तरह से बड़ी बड़ी हम इसकी एक ऐसे टिकिया जैसे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बनाकर दिखा रही हूँ, और मैं वैसे ही मतलब साथ ही साथ बनाऊँगी भी और साथ ही साथ इसे फ्राई भी करती जाऊँगी। तो मैंने ना कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तो देखिए, इस तरह से मैं टिकिया बनाकर फ्राई कर लूँगी। आप चाहो तो इसे बच्चों को बॉल की तरह भी बनाकर फ्राई करके दे सकते हो। तो देखिए, ये तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, गैस की फ्लेम मैंने मीडियम रखी है। चेक करते हैं, देखिए बहुत अच्छे तरीके से तेल गर्म हो चुका है। तो ये मैं थोड़े बड़े साइज़ के वड़े बना रही हूँ, आप चाहो तो छोटे भी बना सकते हो। 1 मिनट इसे ऐसे ही हम कुक होने देंगे, उसके बाद हम इसे पलट देंगे। तो 1 मिनट हो चुका है, देखिए फ्रेंड्स, 1 से 1.5 मिनट हो चुका है, और ये बहुत अच्छे से कलर भी मतलब इनका चेंज हो गया है। अब इसे पलट कर भी हम ऐसे ही डार्क कलर आने तक फ्राई कर लेंगे और फिर इसे निकाल लेंगे। तो देखिए, बहुत ही अच्छा सा डार्क कलर आ गया है और बहुत ही अच्छी सी बढ़िया सी खुशबू आ रही है। तो इन्हें निकाल लेते हैं और इसी तरीके से मैं जो दूसरे भी वड़े हैं वो फ्राई कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी अच्छे तरीके से सिक चुके हैं। इसे भी पलटकर मैं लाल मतलब रेड कलर आने तक, अच्छे से डार्क कलर आने तक फ्राई कर लूँगी और इन्हें भी हम निकाल लेंगे और सर्व कर लेंगे। तो बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स, सच में आप भी एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइए और आप भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए। तो देखिए, बहुत ही गर्मा गर्म, क्रिस्पी से, टेस्टी से, हेल्दी से मूंग के वड़े हमारे बन कर के रेडी है। देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं, आप देख सकते हो। और इसमें लच्छे वाली जो प्याज है, इससे ना इस मतलब बहुत ज़्यादा टेस्ट इसका बढ़ जाता है। तो बारीक मतलब जो चॉप करके हम जैसे डालते हैं, उससे कई ज़्यादा टेस्ट लच्छे वाली प्याज का आता है। तो इस तरीके से ज़रूर बनाइए फ्रेंड्स। देखिए, अंदर से भी ये बहुत ही अच्छे तरीके से पक चुके हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और
शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।